कोरोना काल में महिला बोलते ये बीमारी ऐसा कुछ नहीं है, बोले ये विदेश के लोगों के लिए है, हमारा इस देश में ये बीमारी नहीं है। जब फिर धीरे धीरे पब्लिक को लगा कि नहीं है, भोपाल में भी टीवी चैनल में मोबाइल में आने लगा कि इतना पैसे निकला इतना कुछ है, तो उस समय फिर महिला मतलब दहशत में आने लगा, तो उनको दिक्कत आ रही, तो हम सब बहन मिल के एक एक गली में जाके चार पांच महिला मिलके उनको समझाया कि देखो अपना घर पे बच्चे को भी घर पे रखें, घर से ना निकले, यदि अगर इमरजेंसी काम है तभी आप घर से निकलो। बार बार मतलब हाथ धोने का भी तरीका उनको सिखाया कि किस तरह हाथ धोना चाहिए, कैसा सैनिटाइजर करना चाहिए, हमें घर आने के पहले हाथ पैर धोना चाहिए, कपड़ा भी अगर रोज ना धो तो धूप में रखना चाहिए। अपने यहाँ पे लगभग 200 परिवार है, उसमें डिपिकल बच्चा 8 परिवार था, एक विकलांग डिपिकल बच्चा ऐसा था कि उनके घर पे शौचालय नहीं है, तो उनके लिए हमने शौचालय का प्रावधान किया। दीदी लोग ने 2-3 बार आया, हमें समझाया कि क्या था बना लो शौचालय, तो हमने बनवाया। अभी क्या था उससे हमें बहुत अंतर हो गया, और क्या था बीमारी से हम लोग दूर हो गए। बस्ती में ये बदलाव आया, जो कि पहले कचरा कहीं भी फेंक देना, कभी जैसे घर से आए कहीं से बाहर से आए हाथ पैर नहीं धोना, अंदर घुस जाना, तो अब ये बदलाव आया कि जब भी आते हैं तो पहले सैनिटाइजर है, साबुन है, किसी भी प्रकार का जो भी है हाथ धोते फिर जाते। इस तरह पूरा महिला इतना एकत्रित होके हमने काम किया है, महिला को जागरूक किया है, 1 साल होने गए और आगे भी इस चीज को सब ध्यान रखा है कि ये बीमारी अपना इस एरिया पे नहीं आएगा।